तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चीप एंड बेस्ट पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर जो कि है अंडर 500। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्पीकर आप देख रहे हो ये 500 रुपये के अंदर आप सबको मिल जाने वाला है। और इसकी क्या क्वालिटी, क्या आप सबको ये बाय करना चाहिए, कितना ये पावरफुल होने वाला, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में हम अनबॉक्सिंग से लेकर रिव्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइज इसका सबसे पहले हम करते हैं इसकी बॉक्स की पैकिंग से। तो गाइज ये है जेब्रोनिक्स का जेब काउंटी और बॉक्स की पैकिंग कुछ इस टाइप से है। इसमें जो सबसे ऊपर और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ TWS का ऑप्शन दिख रहा है और बैक साइड में यहाँ पे आप सबको ये MRP मेंशन की जाता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर इसकी जो बॉक्स की पैकिंग है कुछ इस टाइप से होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा पैकिंग है दोस्तों। और इसका प्राइस जो है वो 999 मेंशन है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल प्राइस का बता दिया हूँ कि आप सबको ये किस रेंज में मिलने वाला है। तो गाइस बॉक्स की पैकिंग तो अल्टीमेट है, काफ़ी अच्छा है और इस रेंज तक के लिए बेस्ट ब्लूटूथ चीप ब्लूटूथ स्पीकर के लिए तो काफ़ी अच्छी पैकिंग दिख रहा है दोस्तों। और ये जो स्पीकर इसकी साल की वारंटी भी होने वाली है। तो फटाफट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में से हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले आप सबको इस बॉक्स में हमें एक छोटा सा मैनुअल मिल जाता है, अगर आप सबके पास टाइम है तो इस मैनुअल को पढ़ सकते हो, अदरवाइज को साइड में रख सकते हो। उसके बाद हमें मिल जाता है एक माइक्रो USB केबल जो कि चार्जिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऑक्स का भी ऑप्शन है। तो गाइस इससे आप ऑक्स के साथ ही प्ले कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हमें मिलता है एक पोर्टेबल स्पीकर जो कि है ब्लैक कलर का और ये है जेब्रोनिक्स का जेब काउंटी, इसका मॉडल नेम है दोस्तों। तो गाइस अब इसका करते हैं ओवरव्यू। तो गाइस ये फुल ब्लैक कलर का है मेरे पास और ये देखिए इसका साइड व्यू कुछ इस टाइप से होने वाला है। और ये प्लास्टिक की क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक की क्वालिटी है। फ्रंट में यहाँ पे देखिए ये मेटल का जाली लगी हुई है और यहाँ बैक साइड के पास देखोगे तो यहाँ पे इस टाइप से कुछ इसके बटन वगैरह भी मेंशन है, जैसे कि पावर ऑन ऑफ बटन है, चार्जिंग पोर्ट है और पेन ड्राइव और माइक्रो SD कार्ड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात। इसमें कनेक्टिविटी के ऑप्शन सारे बिल्ट इन, FMV है, ब्लूटूथ का वर्जन 5.0 जो कि लेटेस्ट है। और इसके ऊपर की साइड के यहाँ पे चार बटन मिल जाते हैं, जिसमें एक पहला बटन आपको मोड का बटन है, जिससे कि आप अपना मोड को चेंज कर सकते हो। दूसरा दोस्तों वॉल्यूम कम करने का है, बाद में है वॉल्यूम अप करने का और लास्ट में है प्ले एंड पॉज करने का। ये सारे बटन आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि आप इस स्पीकर से आप अपने बटन से वॉल्यूम को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो और मोड बटन से पेन ड्राइव और ब्लूटूथ मोड या FM मोड को आप चेंज कर सकते हो। तो इस पोर्टेबल स्पीकर में गाइज सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी लुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और साथ में हैंडल भी दिया गया दोस्तों कैरी करने के लिए। तो इसकी जो आउटपुट की बात करें तो गाइज ये आप सबका 3 वाट के स्पीकर के साथ ही आने वाला है और इसका चार्जिंग टाइम दोस्तों 4 घंटे का है। और प्ले टाइम की बात करें तो ये 10 घंटे का प्ले टाइम है, जो कि बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि इस 500 रुपये के स्पीकर में 10 घंटे अगर म्यूज़िक प्ले होता है तो काफ़ी लाजवाब होने वाला, बहुत ही धासु ऑप्शन है आप सबके पास। अगर आप सब एक लो बजट पोर्टेबल ब्लूटूथ बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से जेब्रोनिक्स को आपको ये जो स्पीकर है जेब काउंटी स्पीकर को आप सबको बाय कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। और आउटपुट की बात करें तो काफ़ी अच्छी लाउडनेस के साथ है, 3 वाट का स्पीकर लेकिन लाउडनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 है जो कि एक लेटेस्ट है। तो गाइज इस रेंज में मैं कहूँ तो ये कुल मिला के जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है आप सबके लिए। और इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं, फिलहाल मेरे पास तो ब्लैक कलर का है। तो गाइज आप सब मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप सबको ये जो स्पीकर है वो कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप सबको ये स्पीकर में क्या अच्छा लगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।